ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है। रुक करदे हां अगली खबर दा। कांग्रेस पार्टी नूं वड्डा झटका लग्गिआ है। पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट ने अज कांग्रेस वल्लों दाखल की गई उस रिट पटीशन नूं खारिज कर दिता है जिस विच कांग्रेस वल्लों अकाली भाजपा सरकार ते ग्राम पंचायत अते पंचायत समिति चोणां लई गलत ढंग नाल वार्डबंदी दे दोष लगाए गए सन। रिट पटीशन ते सुनवाई करदिआं अदालत ने वार्डबंदी विच कोई बदलाव ना करन अते इसे मुताबक ही चोणां करवाउण दे हुकम दित्ते ने। इसे तरह नाल कांग्रेस एक होर मुहाज ते अकाली सरकार कोलों फाड़ी रह गई है। इस खबर से ज़्यादा जानकारी लिए गल करते हैं चंडीगढ़ तो साडे पत्रकार संजय मेहता दे नाल। जी संजय, की कहना चाहोगे? अदालत ने जिहड़ा फैसला सुनाया कि इसे तरह वार्डबंदी की जानी चाहिए है, कांग्रेस नू एक हिसाब का वड्डा झटका लग्या, की कहोगे? सुप्रीत, मैं कहना चाहूंगा कि जो कुछ भी है इस टाइम जो फैसला आया है जे एक पास कांग्रेस वास्ते झटका है जो प्रेजेंट इलेक्शन है उसके वास्ते, लेकिन दूसरों देखा जाए तो आने वाले टाइम के बहुत अच्छा रहेगा ओवरऑल पॉलिटिक्स लई पब्लिक लई। बेसिकली जो वार्डबंदी से कांग्रेस ने गुहार लगाई थी हाईकोर्ट के सामने कि वार्डबंदी प्रॉपर नहीं हुई है, खास तौर पर वार्ड इस तरीके बनाए गए ने ताकि जो है रूलिंग अकाली पार्टी को फायदा मिल सके। इस टाइम से हाईकोर्ट ने उसके इंटरफेयर करने से मना करता है कि इस टाइम से जो है इंटरफेयर नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने फिलहाल उस चीज को देखते हुए, हालांकि डिटेल ऑर्डर देखना, लेकिन फिलहाल हाईकोर्ट ने ओपन कोर्ट से फैसला किया कि पिटीशन इज डिसमिस्ड, लेकिन उसके बाद नाल कुछ चीजा हो रही हैं कि जो कुछ भी प्रेयर सी कांग्रेस पार्टी की पिटीशन के जिस तरह सारे पहले प्रेयर है कि हाउस नंबर जोड़े है वार्डबंदी के इंक्लूड नहीं किए गए, तो हाईकोर्ट ने किया जी कि अगों जो वार्डबंदी होगी हाउस नंबर के बेस से होगी, तो जो पंचायत सैकटरी है वो उस हाउस नंबर का रिकॉर्ड रखेगा, जे कोई हाउस नंबर चेंज किए जाते किसी स्टेज से तो वो वजह तो जो इंफॉर्मेशन है वह रिकॉर्ड भी पंचायत सैकटरी को रहेगा। दूसरी चीज ये हुई है वह यही है कि हाईकोर्ट ने यह कहा कि ऑब्जेक्शन जो डिप्टी कमिश्नर मंगते हैं वार्डबंदी से उसका टाइम जोड़ा है सिर्फ 7 दिन का, जो हाईकोर्ट के सामने वो टाइम बहुत घट है तो उन्होंने बताया जाए। तो ही हाईकोर्ट ने यह कहा कि डिप्टी कमिश्नर जदों भी किसी ऑब्जेक्शन को रिजेक्ट करता है तो सिंपली रिजेक्ट नहीं लिख के करेगा, उसे स्पीकिंग ऑर्डर यानी डिटेल ऑर्डर पास करेगा कि यह ऑब्जेक्शन रिजेक्ट क्यों किया जा रहा है। यह सारा कुछ पंजाब गवर्नमेंट ने नवी वार्डबंदी, हालांकि इलेक्शन तो जो है जो ऑलरेडी वार्डबंदी हुई है उस हिसाब न ही होंगे, लेकिन नैक्सट टाइम वास्ते एक साल के अंदर वार्डबंदी फिर दोबारा होगी हाउस नंबर वगैरह में इनकॉर्पोरेट करते हुए, तो एक साल के अंदर अंदर वो कंप्लीट करके प्रोसेस में हाईकोर्ट के विच एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल की जाएगी, यह हिदायत हैगी हाईकोर्ट की। जी संजय, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। खबरां दी दुनिया विच आओ साडे नाल कदे भी ते कितों भी जुड़ो, आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते, खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।